के सामान मम्मी ने दिलवाया था मुझे, और ये मैंने तो कुछ नहीं खरीदा, लेकिन मम्मी ने किसकी स्कूटी में 25 रुपये में यहाँ से, क्यों ऑटो नहीं लगे थे मुझे। बस इसको तो खाना पीना सोने से मतलब है, 24 घंटे बिग बॉस देखती रहती है। तभी कह रही पहले मैं बिग बॉस देखूंगी उसके बाद में नहाऊंगी। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और आज फिर से बड़े दिनों बाद मैं आज ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। और आजकल ना मेरे जो ब्लॉग है वो काफ़ी लेट आ रहे हैं, और कंटिन्यू मैं नहीं ब्लॉग कर पा रही हूँ। और बस वही 3-4 दिन में, हफ्ते में एक बार ही ब्लॉग हो पा रहा है। तो आज फिर से मैं आप लोगों से मिल रही हूँ। तो कैसे हैं आप सब लोग, कमेंट में बताना। हो हाथ में दर्द हो जाता है फ़ोन पकड़ के। तो ये है हमारा नया घर, अभी मैंने शायद आपको अच्छे से दिखाया नहीं है, मतलब अपना घर नहीं है, रेंट पे है। तो यही है नॉर्मल सब, ऐसे ही देख लीजिए। और अभी मैं रेडी हो रखी हूँ, अभी मैं जा रही हूँ मम्मी और के घर पे। तो मैंने आपको बताया था कि मम्मी और के घर यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है। तब मैं मम्मी और के घर पे जाऊँगी, क्योंकि मम्मी को करनी है शायद कुछ शॉपिंग करनी है, क्योंकि अभी शादियों का सीज़न है। तो मम्मी को अपने लिए कुछ कपड़े वगैरह खरीदने हैं। खैर मुझे तो कोई भी शॉपिंग नहीं करनी है, मैं सिर्फ मम्मी के साथ नॉर्मली ऐसे जा रही हूँ, बोलते हैं ना साथ देने के लिए। तो मैं जा रही हूँ, शायद काजल भी आज घर पे, तो काजल भी आएगी। तो मैंने कहा मैं भी थोड़ा सा यहाँ पे, थोड़ा सा मुझे मौका मिल जा रहा है थोड़ा बाहर जाने का, या फिर यहाँ पर साथ में भी है तो थोड़ा हम लोग चल जा रहे हैं मतलब बाहर। वहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा बोर हो जाती थी, क्योंकि ना मेरे साथ कोई था ना, मैं मतलब पूरे साल में मैं बाहर गई ही नहीं, अकेला तो बिल्कुल भी नहीं। कुछ सामान लेने तक के लिए भी मैं वहाँ पर जा नहीं पाती थी, यही लेके आ जाते थे। और अकेला अकेला थी ना, तो फिर मन भी नहीं करता था अकेला अकेला जाने का। तो अभी यहाँ पे है मम्मी लोग भी है, फिर आसपास पड़ोस में भी कोई ना कोई मिल ही जाता है, तो थोड़ा बहुत मतलब आसपास के मार्केट में भी होके आ जाती हूँ। तो अभी मैं जा रही हूँ, पहले मैं मम्मी के घर पर जाऊँगी। मम्मी का ज़्यादा दूर, ये बाइक की आवाज़ आ रही है अभी, मम्मी का घर जो है ज़्यादा दूर नहीं है। तो पहले मम्मी के घर पर जाएंगे, फिर वहीं से निकलेंगे हम मार्केट के लिए, और वहीं पे मिलते हैं आपसे। तो आजकल ना दोस्तों मेरी तबीयत भी थोड़ी सी सही नहीं चल रही है, मेरे मुझे ना बैक पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है, और अभी थोड़ा सा कम है। तो जा रही हूँ, मुँह वगैरह लगा लेती हूँ कुछ ऐसी चीज़ों से, तो थोड़ी थोड़ी देर के लिए कम हो जाता है। तब मैंने कपड़े वगैरह धो रही थी, तो आज काफ़ी कपड़े हो गए थे ना, तो मुझे फिर से मतलब कमर में मेरी दर्द होने लग गई, पीठ में भी दर्द होने लग गया। यही मुझे आजकल दिक्कत ना मेरी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो शायद इसी कारण से मैं कभी ब्लॉग कर भी नहीं पाती हूँ, कभी कभी मुझे मतलब बिल्कुल नहीं हो पाता मुझसे। तो बस ऐसी आजकल ढीली तबीयत और आवाज़ भी आप देख रहे हो मेरी बैठी हुई है, क्योंकि मुझे सर्दी जुकाम और खांसी भी हो रही है पिछले कुछ 1-8 महीने से, तो मतलब ढीली चल रही है, इसी टाइप की चीज़ें मेरे साथ हो रही है। क्या है, अभी थोड़ा सा मैं ठीक थी, तो मैंने सोचा थोड़ा बाहर होकर भी आ जाती हूँ, वरना घर ही घर पर भी बोर हो जाता है इंसान। तो अभी चलते हैं और देखते हैं क्या क्या शॉपिंग करती है मम्मी। दगड़ियो, तो अभी मैं आ गई घर में, और अभी मुझे आए हुए टाइम हो चुका है। हम लोग ना आ चुके थे 4:30 बजे घर पे आ गए थे शॉपिंग करके मम्मी के लिए। खैर मैंने तो कुछ भी नहीं खरीदा अपने लिए, और क्योंकि मम्मी को जाना है शादी वगैरह में, और तो मम्मी ने कहा मेरे पे थोड़े से कपड़े मुझे और लेने हैं शादी वादी के लिए। वैसे मम्मी के पास बहुत कपड़े होते हैं, लेकिन होता है ना नहीं, अलग अलग शादी होती है तो अलग अलग कपड़े खरीदने का मन होता है। तो मम्मी ने कहा मैं ले रही हूँ अपने लिए कुछ साड़ी वगैरह, तो मम्मी ने ली, और मैंने दिखाया भी नहीं, इसलिए नहीं दिखाया, मम्मी ने कहा था कि मेरे जो मैंने शॉपिंग करी है वो ऐसे ब्लॉग में मत दिखाना यार। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, तो इसलिए मैंने वहाँ पर भी ब्लॉग नहीं बनाया। और बाकी क्या क्या खरीदे वो भी मैंने कुछ ब्लॉग शूट नहीं किया उसका भी। तो मैं घर पर गई थी, फिर आ गई थी मैं यहाँ पर, थोड़ा सा मैंने मतलब ऐसे हल्का सा मैं लेटी हुई थी, सोई हुई तो नहीं थी, नॉर्मल लेटी हुई थी कपड़े वगैरह चेंज करके। और फिर मैंने कहा ब्लॉग तो मैंने स्टार्ट तो कर दिया, लेकिन उसको आगे तो कंटिन्यू करूँ। और अभी टाइम देखती हूँ, मुझे भी नहीं पता कितना हो रहा है अभी टाइम, अरे 5:30 हो चुका है टाइम, तो टाइम अभी 5:30 हो चुका है। और अभी मेरे हस्बैंड अगर अभी आएंगे ऑफिस से, लेकिन अब वो यहाँ पे ना उनको थोड़ा दूर पड़ रहा है, तो थोड़ा सा लेट हो जाते हैं। कभी तो वो 8 बजे आते हैं, कभी 8:30 बजे आते हैं, दोनों की दोनों ऐसे आते हैं ऑफिस से। तो बस मैं ऐसे ही उनका वेट कर रही होती हूँ जब तक वो आते नहीं है, और खाने वाने का देखती हूँ रात का कि क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है। तो बस ऐसे ही यहाँ पे टाइम बीत रहा है मेरा। बट हाँ इतना मैं ज़रूर बोलूँगी कि
जहाँ पे हम पहले रहते थे वहाँ से अच्छा टाइम बीत रहा है मेरे। यहाँ पे थोड़ा सा मेरा चलना फिरना हो जा रहा है, वरना वहाँ पे तो मैं घर के अंदर अंदर एकदम घुट गई थी, क्योंकि कोई था भी नहीं। फिर वही हो ही जाता है वहाँ पे, मेरे को बिल्कुल अच्छा मन नहीं लगता था। हालांकि एरिया तो वो बहुत अच्छा था, लेकिन होता है ना फिर कोई अपना भी ना हो आस पास में तो फिर अजीब सा ही रहता है। और यहाँ पर जब से मैं आई हूँ तब से मैं मतलब हर दिन हम लोग चले ही जाते हैं थोड़ा सा इधर उधर भी घूमने के लिए, टहलने के लिए। नॉर्मली ऐसे भी चले जाते तो अच्छा लगता है, थोड़ा सा टाइम भी निकल जाता है, पूरा दिन ना पता नहीं चलता। यहाँ पे तो दिन का मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा कि कब दिन निकल जा रहा है ना। वहाँ पे पूरा दिन ऐसा लगता था कि बोरियत सी आती रहती थी पूरा दिन भर। तो बस अभी ना यार अभी ये कपड़े लेके आई थी मैं, सूख गए थे मेरे कपड़े। और ये देखो ये मम्मी ने मुझे नारियल दिलवाए थे, ये सामान मम्मी ने दिलवाया था मुझे। और ये मैंने तो कुछ नहीं ख़रीदा, लेकिन मम्मी ने मेरे लिए ख़रीद दिए थे इस टाइप के फ्रॉक टाइप के, छोटी शॉर्ट फ्रॉक टाइप की होती ना, तो ये ख़रीदे थे। जब मैं पहनूंगी तब मैं तब आप लोग देख लेना, दो खरीदे थे मम्मी ने ये ऐसी में। मैंने तो कुछ नहीं ख़रीदा, मम्मी ने ख़रीद लिए थे मेरे लिए छोटे छोटी छोटी फ्रॉक टाइप की है इतनी सी। तो मैंने कहा चलो सही है, देखती हूँ जिस दिन पहनूंगी उस दिन देख लेना आप लोग। और अभी चाय वगैरह भी तो अभी नहीं बनाऊंगी मैं, जब ये आ जाते हैं ना जब ही बनाती हूँ। और पहले मैं कपड़े कर लेती हूँ फोल्ड, उसके बाद में मिलती हूँ। और अभी ना मेरे पास ना ट्राईपॉड है, ना हाथ वाला ट्राईपॉड है, ना वो नॉर्मल वाला जो होता है ना, वो भी कुछ भी नहीं है, क्योंकि मेरे सारे ट्राईपॉड टूट चुके थे। मैंने आपको पहले भी बताया था, दो तीन ट्राईपॉड थे मेरे सारे ख़राब हो चुके, हाथ वाले भी नॉर्मल वाले भी। तो मैं वही फेंक के आ गई क्योंकि वो किसी काम के नहीं थे। मैंने कहा अभी फालतू में ले जाके क्या ही करना, तो अभी मुझे ऐसे ही ब्लॉक सूट करना पड़ रहा है, कहीं पर रख देती हूँ। अभी शाम का टाइम है, अभी मेरे पति परमेश्वर आ गए, देखिए कितनी लंबी उम्र है इनकी। तो मैंने ना काजल को शाम को जब मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया था ना अभी शाम को, तो मैंने काजल को बुला दिया था क्योंकि मैं कहने के ना बहुत ज़्यादा बोर हो गई थी। तो मैंने कहा काजल को यहीं पे आ ले, वो पढ़ाई कर ले, तो मैंने कहा आ जा पढ़ाई कर ले, यहीं पे पढ़ ले, यहाँ पे कोई है नहीं तो इसको डिस्टर्ब करने लगा। कह रही वहाँ पे मम्मी मुझे डिस्टर्ब कर रही है, तो मैंने कहा यहीं आ जा मेरे साथ। तब से पढ़ाई करने में लगी है, फिर पति भी आ गए शायद, मुझे लग रहा। खाना वाना मैंने बना दिया, आज काफ़ी लेट हो गया ना, आज कुछ ज़्यादा ही लेट नहीं आ रहे जीजू? ये है हमारी काजल माई, नींद आ रही मुझे, बस इसको तो खाना पीना सोने से मतलब रहता है। सुबह से उठी मैं, देवर जी हमारे के पल्ली कमरे में, पति 4 बजे से उठी हूँ। मच्छर आना ची, तबियत खराब। किस किस उठी मैं? यहाँ से क्यों ऑटो नहीं लगे थे? ऑटो लगते हैं, ऑटो वाले के ड्रामे आ रही है क्यों? तो खा लो ना, फल फल खा के ना, मैं बहुत बोर हो चुकी हूँ। आई हैव बट बोर, मैं सोचती कचौड़ी मंगाऊंगी पर छोड़ा आप आ गए। आई डोंट वांट टू। चलो पति परमेश्वर जी की सेवा करी जाए, चाय पानी पिलाया जाए आपको। बताओ चाय पियोगे पानी पियोगे या फिर वो तो आते ही पहले कुछ और ही काम करते हैं। किसको दे रही है गाली? टीवी में इसलिए लगा रखी कि ताकि हमें सुनसान ना लगे, इसलिए लगा रखी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभी मॉर्निंग का टाइम है और मैं तो सुबह 6 बजे से उठी हुई, हालांकि अभी 11:30 हो चुके हैं। काम वाम सारा कर लिया है, सब कुछ हो चुका है, अब बस मुझे नहाने के लिए जाना है। तो अभी नहाई नहीं हूँ, कल रात को थोड़ा सा ब्लॉक किया था, उसके बाद नॉर्मली वही हुआ था, रात में खाना ना खाया फिर सो गए थे सब। तो कल मैंने काजल को रात को भी यही रोक दिया था, अभी सुबह भी वो, अभी मैंने उसको कहा कि अभी तो आराम से जाना क्योंकि तो घर पास में ही है, मम्मी का घर तो कभी भी चली जाएगी। और जब मुझे थोड़ी सी ज़्यादा दिक्कत होने लग जाती ना, जैसे मैंने कहा था कि मेरी बैक पेन बहुत ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम हो रही है कभी कभी, तो कभी कभी ज़्यादा दिक्कत होती है तो मैं काजल को थोड़ा सा रोक लेती हूँ या फिर उसको बुला देती हूँ छोटे मोटे काम के लिए। तो अभी बेचारी ने थोड़ा सा पोछा गया, मैं अंदर कमरे लगा देते, यहाँ पर उसने कर दिया, बर्तन उसने धुल दिए थे, तो बाकी जो भी काम था छोटा मोटा सारा मैंने कर लिया था। तो मेरी काफ़ी हेल्प कर देती है कभी कभी आके, जब मेरे को थोड़ी सी प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती है तब। वैसे तो मैं पूरा सब कुछ कर देती हूँ, लेकिन कभी कभी हो जाता है ना,
ज़्यादा दिक्कत होती है तो मैं उसको बोल देती हूँ आने के लिए। तो अभी वो बेचारी नहा धो के, सॉरी नहा धो के नहीं, मैं उसको बोल रही हूँ कि अब नहा ले, काम वाम तो सब हो गया, अब नहा ले। कह रही है अभी मेरा मन नहीं कर रहा है नहाने का दीदी, मैं आराम से नहाऊंगी। तो मैंने कहा ठीक है। अभी वो अपना बिग बॉस देख रही है, बिग बॉस की बहुत बड़ी फ़ैन है ये काजल। देखो बिग बॉस की फ़ैन, अरे हो बिग बॉस की फ़ैन, चौबीस घंटे बिग बॉस देखती रहती है। मैं मतलब कुछ समझ नहीं आता अभी तक, मैंने देखा देखती नहीं मैं। बिग बॉस चल रहा है, बिग बॉस कौन कौन देखता है बिग बॉस कमेंट में किसको बताना। सपोर्ट करते हो भैया आप? मुझे तो पता ही नहीं भाई, मैं ना देखती ना, मुझे कुछ करते हैं और अर्चना देखता भी नहीं होगा मेरे साथ। किस किस का फेवरेट है बताना, काजल का तो बहुत ज़्यादा है, 24 घंटे बिग बॉस देखती रहती है। तभी कह रही पहले मैं बिग बॉस देखूंगी उसके बाद में नहाऊंगी। तो मैंने कहा तू आराम कर लिया, मैं तो नहा रही हूँ। और अब मेरा थैला भी यहीं पे, कपड़े भी धुलने हैं, बाकी का ना सामान मैंने भी यहीं पर फैला रखा है। अब मेरे को ना स्टोरेज की यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम है, कमरे तो सब अच्छे हैं लेकिन स्टोरेज इनमें है नहीं ज़्यादा, और इसीलिए थोड़ा सामान वगैरह रखने में मेरे को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। तो मैंने ऐसे ही ज़मीन पर ही रखा हुआ है नीचे, तो कोई बात नहीं अभी एडजस्ट कर लूँगी धीरे धीरे सारी चीज़ें। और तो चलो अभी मैं अपना नहा धो लेती हूँ, जो भी काम आएगा वो कर लेती हूँ, और इस वाले ब्लॉग को भी यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को आज का ब्लॉग भी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कॉमेंट शेयर ज़रूर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।